सो हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में अभी मैं जा रहा हूँ दिल्ली, फिर दिल्ली से मेरी सुबह 5 बजे की फ़्लाइट है, वो है बहरीन के लिए। तो जो मेरा सामान है वो पैक कर लिया है मैंने, ये मेरा बैग एक, और जो दूसरा बैग है वो ये रहा। तो अभी मुझे दिल्ली तक जाना है बस में, तो उसके लिए जो मेरी बस की टाइमिंग है वो 12 बजे की है। तो अभी जो टाइम है वो 11:30 हो रहा है, तो घर से निकलने का टाइम हो गया है। तो अभी मैं निकलता हूँ अपने घर से और चलता हूँ अपने फ्रेंड के ऑफिस, फिर उसके बाद जाऊँगा चंबाघाट। चंबाघाट से मुझे मिलेगी बस, तो जो बस है वो शिमला से आ रही है, तो ये यहाँ से चलेगी सोलन से 12 बजे, और इसका टाइम है अप्रॉक्सीमेटली 8 बजे के आसपास मुझे जो ये बस है दिल्ली उतार देगी। तो लेट्स सी कि ये बस टाइम पे उतारती है कि नहीं। तो चलिए मैं अभी घर से निकलता हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं चल चुका हूँ और भैया मिल गए थे मुझे। तो भैया मुझे चंबाघाट तक अभी ड्रॉप करने वाले हैं। तो अभी जो बस का ड्राइवर है उनका भी मुझे फ़ोन आया था कि वो 10 मिनट में चंबाघाट पहुँच जाएंगे। तो अभी निकल चुके हैं और देखते हैं कैसी है ये जर्नी, और आपको भी दिखाते हैं। तो अभी मैं चंबाघाट पहुंच गया हूं, भैया भी चले गए मुझे ड्रॉप करके, और वो आ गई मेरी सामने से बस, तो मैं बस में बैठता हूं। इसमें हॉलीडेज की वॉल्वो। तो अभी बस में बैठ गया हूँ मैं, और बस भी काफ़ी अच्छी है, साफ सुथरी है और कंफर्टेबल भी है। और अभी करते हैं सोलन को बाय बाय, और अभी चलते हैं हम दिल्ली की तरफ। Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. और फ्रेंड्स पहली बार ऐसा हुआ है कि जो बस है ये टाइम पे आई है। बस का टाइम जो था आने का वो था 12 बजे का, बट ये जो है 11:50 पे ही आ गई और निकल चुके हैं अभी। Sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could. फ्रेंड्स अभी मुझे मिला है बस में पानी और एक लिफाफा। लिफाफा इसलिए कि किसी को अगर वॉमिटिंग वगैरह आए तो वो इसमें कर सकते हैं, बट मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं पानी यूज़ करूँगा। अभी तो मैं ही सीट पे अकेला हूँ, तो अपनी सीट पीछे करके आराम से बैठता हूँ मैं। अपना ट्रैवल पिलो भी लगा लेता हूँ साथ में, और आप मज़े से रिलैक्स करके दिल्ली तक आराम से। यहाँ पे और लोग बैठेंगे बस में, क्योंकि अभी कुछ लोग उतरे भी थे। तो फ्रेंड्स अभी बस जो है हमारी लंच के लिए रुकी है, और ये है मिर्ची कैफ़े। यहाँ से जो करनाल है वो है 61 किलोमीटर्स, और दिल्ली था 191 किलोमीटर। तो अभी देखते हैं लंच में यहाँ पे क्या है। Blue eyes fade to gray as you fade away.
फाइनली कश्मीरी गेट बस स्टैंड पहुंच गया मैं। तो ये जो बस थी पूरे टाइम पे पहुंचाया है, इसने 8 बजे का टाइम था और 8 बजे मैं पहुंच गया हूं यहां पे। तो इस अभी मुझे जाना है एयरपोर्ट पर, उससे पहले मैं करने वाला हूं पेट पूजा, तो उसके लिए भी ढूंढना पड़ेगा कुछ। है कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन और मेट्रो स्टेशन के अंदर ही है ये मैकडॉनल्ड्स और उस साइड है KFC भी, बट मैं KFC नहीं जाने वाला क्योंकि मुझे वेज खाना है और वो मुझे मिलेगा मैकडॉनल्ड्स में। तो फिर मैकडॉनल्ड्स में खाने के बाद अभी मैं जाऊंगा यहाँ कश्मीरी गेट से मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन के लिए। फिर नई दिल्ली से मुझे एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन मिल जाएगी जो मुझे ले जाएगी सीधा एयरपोर्ट। तो पहले मैं पेट पूजा करता हूँ, उसके बाद चलते हैं आगे। फ्रेंड्स, मैंने अपना बर्गर और मैक पिज़्ज़ा पफ ऑर्डर कर लिया है, तो मैं अपना अभी डिनर इन्जॉय करता हूँ। जब ये डिनर हो गया है तो अब चलते हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। तो मैं चल के अपनी मेट्रो लेता हूँ और चलता हूँ नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन की तरफ। फ्रेंड्स, अभी जाना है 3 फ्लोर नीचे क्योंकि मुझे पकड़नी है येलो लाइन, और येलो लाइन जो है वो नीचे से चलती है। टूवर्ड्स हुड्डा सिटी सेंटर, यहाँ से 3 मेट्रो स्टेशन के बाद आ जाएगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और वहाँ से मुझे मिलेगी मेट्रो। हो रही मेट्रो, जब तक मैं पहुँचूँगा ये चली जाएगी। वैसे ये मेट्रो खाली भी थी, जा सकते थे इसमें, ट्राई करते हैं अगर चले गए तो। मेट्रो के अंदर और स्टेशन पर मुझे जाना है नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन, जहाँ से मुझे मिलेगी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन। तो मुझे जाना है 1, 2, 3 मेट्रो स्टेशन दूर। Life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this. ये जो रास्ता है ये जाता है सीधा एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की तरफ, तो ये मैं उसी साइड जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं हूँ एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में और ये मेरे सामने से मेट्रो जा रही है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया था तो जो मेट्रो है वो चली गई। कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत टाइम है अभी। तो फ्रेंड्स, फाइनली एक और मेट्रो आ गई, तो अभी इसी मेट्रो में जाने वाला हूँ। I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. तो फ्रेंड्स, फाइनली पहुंच गया हूं मैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 और ये मेरे पीछे मेट्रो स्टेशन। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने और इसे मिला है बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड। फ्रेंड्स, फाइनली मैं पहुंच गया हूं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आई होप कि आपको जो आज का व्लॉग था जिसमें मैंने सोलन से लेके दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक ट्रैवल किया है वो आपको अच्छा लगा होगा।
तो मिलता हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।